बिग बॉस मतलब बेरोजगारों का त्योहार दोबारा लौट आया है और इस बार इतना खतरनाक बात है कि इन डिजिटल भिखारियों को हमसे पैसा चाहिए। जी हाँ, बिग बॉस देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब तुम सोचो, अंबानी जी को मुझसे पैसा चाहिए। मैंने तो नहीं बोला था अंबानी जी अपनी बेटी के प्री वेडिंग 25 जगह जाके करो, आप मेरे कद्दू दे रहे हो। तू ये बता, नेट बैंकिंग या UPI? UPI। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? स्वागतम बंदर बंदर देसी जो बोल का मैं तुम्हें नजर रखती वीडियो। आज क्या है, बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए, बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए। पहले बिग बॉस में सेलिब्रिटी आती थी, इस बार सारे सापरी आ गए, सापरी आ गए, सापरी आ गए। पहले हमारी सलमान भाई जब डरते थे सारे कॉन्टेस्टेंट डर जाते थे, थरथरा जाते थे, पर अब हमारे मजनू भाई जब डरते सारे लोग हंसने ना लग जाए। तो हमारे पहला कॉन्टेस्टेंट है वो गंडा को भी कह देते हैं हाय फ्रेंडा। तो इनकी बोली है थोड़ी निराली और इनका नाम है शिवानी कुमारी। क्या राइम बना दिया यार, इसी बात में एक लाइक हो जाए वीडियो का। फ्रेंड हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम जदुआ गोरे बैठे, ये मैं माई भी हम तो कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। यहाँ तो इनको हॉट बोल दिया, लेकिन जैसे ये बिग बॉस के घर में गई भाई साहब रोना चालू। बोली 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 क्या बोलना चाहते हैं, मेरा सपना पूरा हो गया। भाई साहब अनिल कपूर को देख के इतना तेज तेज रोने लग गए कि वो रो वहा रही है और इस स्पीकर मेरा खून का फटे जा रहा। बोली बोली क्या बोलना चाहते हैं, भाई अनिल कपूर जी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी वाला आ गई। नहीं ठीक है, रो लो, हमें तुम्हारी आंसुओं से कोई दिक्कत नहीं है। हमको इनके भिभीरे दिक्कत है जो बेपा बजा रही, पता नहीं क्या होती मैं 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 मैं। और आगे देखो ये क्या बोली जा रही है, हमको हम टीवी पे देखते थे। अम्मा अम्मा देखो कैसे कैसे रोए जा रही है ये शिवानी कुमारी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। आप तो दीदी टीवी पे ही देखोगे ना, और कहीं तो आते नहीं थे अनिल जी। ओह नो मेरे आंखों से के आंसू, सब लोग देख रहे हैं। भाई सच में ये लड़की इतना खतरनाक रो रही है ना कि सुन के कान झनझना जा रही है मेरा। और अनिल कपूर को मानना पड़ेगा, ये मन की बात बाहर नहीं आने दे रहे। वैसे भी मन ही मन में बोल रहे हैं कि झपड़ के बस बाहर नहीं आ रहे। बिग बॉस के घर में आया तो मजा आ ही गया रहा। हाँ जब ये आई थी तब बड़ी खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से भंगा बजाने लग गई। लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? ओए बंदरी अरे शिवानी कुमारी क्या आपको रोने की है बीमारी, घर से निकलते वक्त भी रोना चालू कर दिया आपने। देखो बहन ऐसे बात बात पे रोना अच्छी बात नहीं, और रोते रोते बात करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप रोते रोते क्या बात कर रहे हो वो बात मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। अब देखो बिग बॉस के एक कॉन्टेस्टेंट रणबीर, इनको हम लोगों ने बहुत सारी मूवी में देखा है। शिवानी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, देखो जरा। अभी काम कैसा चल रहा है आपका? भी काम अच्छा चल रहा होता तो यहाँ तो नहीं होते। अब भाई देखो यही है, कोई इतने सालों तक इसी लाइन में इतना मेहनत किया उसके बावजूद भी इसका काम ठीक नहीं चल रहा है, और कोई है कि बिना मेहनत के बहुत कुछ हो जा रहा है, तो बस नसीब नसीब की बात है। अब देखो इसमें बिग बॉस की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज ट्रेंडिंग चल रहा है उसी चीज को दिखा के वो लोग पैसा कमा रहा है। समझ में आया क्या लाला? खैर अभी कर भी क्या सकती है, कमा रही है, कमा रही हूँ। लेकिन आप लोग कुछ भी कहो, वोट तो देंगे शिवानी को ही, और आप लोग भी शिवानी को ही वोट कीजिए, ठीक है? तो तुम मैं से बात ही कर रही हो? I can't do this. अंग्रेजी पंखी क्यों कर रहा है? तो तुम मैं से बात ही कर रही हो? I can't do this. अंग्रेजी पंखी क्यों कर रहा है? शिवानी कुमारी ये लाइन बोलते ही चली जाती है, बस यही तो अच्छी लगता है शिवानी जी की, बस यही तो। अंग्रेजी को उसके अपने ठिकाने लगवा दिया। लव यू शिवानी जी, लव यू, आप बहुत ही अच्छे लगते हो। तो बस यार आज के लिए मुझे यहाँ पे खत्म करते, वीडियो देखा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल मिलता हूँ किसी नए वीडियो लगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, जय गन। तेरी हीरो पंती ना मैं भाई के तुझे यार, अब क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं, सबको टट्टी आती नहीं और मेरी जाति नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।